ओके दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक टाइम था जब ड्रिल मशीन का कि ये देखिए मेरे पास काफ़ी पुरानी ड्रिल मशीन हम कह सकते हैं ये अवेलेबल है। और एक टाइम था जब इससे ड्रिल मैं किया करता था या काफ़ी लोग किया करते थे, और इस समय भी काफ़ी लोग इस ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ड्रिल मशीन है, और ये मैनुअली मीन्स इसका इस्तेमाल हम हाथ से मीन्स अपने हाथों के इस्तेमाल से मैन पावर से हम ड्रिल किया करते थे या किया करते हैं कुछ अभी भी कुछ जगह पर। तो देख सकते हैं इसमें जो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है दोस्तों, एक बड़े गियर वाले व्हील के साथ एक छोटा गियर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसके मूवमेंट के थ्रू ही, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके मूवमेंट के थ्रू ही ये छोटा वाला व्हील रोटेट करता है, और इसके आगे ये चक कनेक्टेड है जिसमें हम ड्रिल बिट को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो बहुत सीधा और अच्छा प्रिंसिपल था कि हम इस तरीके से इसको एक ड्रिल मशीन की तरह यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी ये जो लकड़ी के हैंडल वगैरह मिलते थे दोस्तों, ठीक है। और ये ड्रिल आज भी अगर आप परचेस करेंगे तो मार्केट में अवेलेबल होती है दोस्तों, काफ़ी जगह अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 200 के अंदर अंदर आप लोग को इजीली अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। ये अभी भी कई साइज़ में आती हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी अब तो अवेलेबल हो गई है, पहले नहीं थी, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पीड इसकी अच्छी थी, आप अच्छे से इस मेटल वगैरह की सरफेस को छोड़ करके वुड वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, नो प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छे से ये वर्क करती है, ठीक है। 200 रुपये के अंदर ये आप लोग को इजीली मिल जाएगी, और इसके साथ जो बिट कनेक्ट कर सकते हैं वो आप लोग की अकॉर्डिंग टू योर जिस भी तरीके की आपको बिट चाहिए वो आप परचेस कर सकते हैं और इससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो ज़माना आ गया है, जो टाइम आ गया है, वो आ गया है इस तरीके की बिट का दोस्तों, इस तरीके की ड्रिल मशीन का। ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी की नहीं है, बहुत सारे फीचर की नहीं है, लेकिन दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने 500 वाट की ड्रिल मशीन है, और ये जो है लगभग 500 रुपये की ही आप लोग को मिलेगी लोकल मार्केट से। चक साइज़ मैक्सिमम 10 mm कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग को इसकी एक की मिलेगी और जिससे आप चक को एडजस्ट करेंगे। और इसमें मैंने एक रेगुलेटर को अटैच कर दिया है, क्योंकि इस वाली मशीन में, क्योंकि ये इसमें स्विच ऑन और ऑफ़ का होता है दोस्तों, डायरेक्टली ऑन और ऑफ़ है, तो इसमें रेगुलेटर अटैच कर दिया है, इसकी हेल्प से आप स्पीड को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल 1 पे कर रखा है मैंने, और ये इस तरीके से चल रही है, ठीक है। अगला स्टेप बढ़ाता हूँ, देखते रहिएगा, 2, ठीक है, 3 दिखाता हूँ दोस्तों, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 7 और 1 में कितना अंतर है, ठीक है, ये मैक्स है, और 1 दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसकी हेल्प से आप एज ए स्क्रू ड्राइवर भी काम कर सकते हैं, काफ़ी जगह ये काम आ जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थी, और ये रेगुलेटर कैसे लगाया गया दोस्तों, जैसा कि सीरीज़ में हम रेगुलेटर को लगाते हैं, सेम वैसे ही लगाना है, अलग से कोई भी कनेक्शन नहीं देना। मैं देखिए आपको समझाता हूँ, जैसा कि हम ये रेगुलेटर जैसे बोर्ड में लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, कि एक वायर तो डायरेक्टली हमारा इसमें चला जाता है इनपुट में, जो हम एसी के वायर आ रहे हैं, एक तो डायरेक्टली आप इसमें कनेक्ट कर दीजिए, और दूसरा वायर इसमें कनेक्ट करने की जगह आप इसके, इसमें दो वायर होंगे, उसमें एक कनेक्ट कर दीजिए, बचा हुआ इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के रेगुलेटर को सीरीज़ में करना होता है और इसको कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये रेगुलेटर आप देख सकते हैं वॉल्यूम वाला है, ठीक है, जबकि मैंने ड्रिल मशीन में स्टेप वाला रेगुलेटर यूज़ करा है। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।